दरोगा और सर्जेंट पदों के लिए 2213 बहाली निकली थी बिहार में 2020 में। उसका पीटी के एग्जाम को लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही है। कभी 14 फरवरी को एग्जामिनेशन की बातें कही जा रही है और 21 मार्च को कही जा रही है, मगर हम यह बता दें कि 2400 से जो ज़्यादा बहाली का परिणाम आया था 15 जनवरी को 2431 दरोगा बहाली का जो परिणाम आया था उसके शारीरिक दक्षता परीक्षा होने के बाद मार्च और अप्रैल के बाद वो परीक्षा लेने की बात कही गई है। ऐसा कोई भी तिथि अभी तक नहीं निकाली गई है जिससे कि पीटी यानी कि 2213 वैकेंसी जो 2020 में उसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी, 6,00,000 छात्र इसके लिए अप्लाई किए हैं। वह बार बार परीक्षा तिथि के लेकर एक अफवाह फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया हो या अन्य जगहों से, वो सही बातें नहीं है। वह बता दें कि जब तक शारीरिक ऐसा बातें कही गई है कि जब तक शारीरिक दक्षता पूरी नहीं कर ली जाती है 2400 दरोगा बहालियों की, उसके बाद बिहार दरोगा सर्जेंट का पीटी का परीक्षा शुरू किया जाएगा। कई छात्र असमंजस में हैं। 15 जनवरी को 15,000 से ज़्यादा दरोगा की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुने गए हैं वो सभी अभी तैयारी में जुट गए हैं और ज़ोर शोर से तैयारी में अभी जुटे रहें, और फरवरी में उसका कहा जा रहा है कि तिथि आएगा और मार्च और अप्रैल में उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अभी के लिए हम यही बताने के लिए हम आए थे कि जो अफवाह एडमिट कार्ड को लेकर फैलाया जा रहा है, कई छात्रों ने मैसेज किया, कई छात्रों ने ये बातें जाननी चाहिए, तो हम सोचे कि इस पर बातें बताई जानी चाहिए और सही बातें। आज अखबारों में भी निकला है तो उसमें बताया गया है कि 2213 जो वैकेंसी है उसमें दरोगा और सर्जेंट पदों का, यानी कि 1998 दरोगा और 15 सर्जेंट का, पिछले बार जो निकला था दरोगा सर्जेंट और सहायक अधीक्षक जो जेल में सहायक अधीक्षक होते हैं उनका भी वैकेंसी था 2400 से अधिक, वो सभी परिणाम 15 जनवरी को आ चुके हैं। 16 जनवरी को जिस प्रकार से सभी जगहों पर एक तरह से कह सकते हैं सभी छात्र को उसमें मिला, उसमें 46,000 छात्रों ने भाग लिया था। अभी फिलहाल 6,00,000 अभ्यर्थी 2213 दरोगा और सर्जेंट पदों के लिए अप्लाई किए हैं। उनका परीक्षा पूरी तरह से हुआ है, मन में बैठा लें कि ये शारीरिक दक्षता परीक्षा जब तक नहीं होगी तब तक उनका परीक्षा नहीं लिया जाएगा। कोई भी ऐसी अफवाह और बातों में ना आए। झकास भरा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।